राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल कपल्स डीआईवाई क्राफ्ट पे। आज हमने श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया है। ये ओरिजिनली में हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जिनको हमने श्रीनाथ जी का रूप दिया है। तो देखिए, हम आपको इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने यहाँ पर एक गत्ता लिया है, ये थर्माकोल का है, और इस पर एक डायरी रखी है और इसके पेजों के बीच में हमने एक स्केल रख दिया है, सो दैट जब हम लड्डू गोपाल जी को आगे बैठाएंगे तो उनका हाथ हम रख पाएँ। यहाँ पे मैं उनका मेकअप कर रही हूँ और हमने यहाँ पे पोस्टर कलर लिया है ब्लैक कलर का। आप पोस्टर कलर का ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये ईजिली रिमूवेबल होता है। आप इसको गोपी चंदन में मिला कर सकते हैं और जब आप इनको नहलाएंगे तो ये कलर पूरी तरीके से निकल जाएगा और जो ओरिजिनल श्रृंगार है उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें इनकी आईज पे भी कलर कर देना है और हमें गर्दन तक इनका कलर करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर कलर अच्छे से कर दिया है। आप इसको एक बार सूखने दीजिएगा, फिर इस पर डबल कोट कीजिएगा, तभी कलर आएगा। यहाँ पर हम रेड कलर से उनके लिप्स बना देंगे। यहाँ पर आप ज़ीरो ब्रश का यूज़ करिएगा और यहाँ पर हम उनका तिलक बना देंगे। यू शेप का तिलक होता है श्रीनाथ जी के सर पर, तो बस हम बिल्कुल वैसा ही तिलक बना देंगे। यहाँ पर हम गोल्डन कलर का यूज़ कर रहे हैं तिलक की बाउंड्री बनाने के लिए। ये फेविक्रिल का लिक्विड गोल्डन कलर है। थोड़ा सा मेकअप कर देंगे। यहाँ पे देखिए डॉट्स रखे हैं मैंने चिन पे और गालों पर। और अब हम इनकी आईज बनाएंगे। श्रीनाथ जी की आईज ऐसी ही बनती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ काम नहीं होता है। देखिए, लाइन सीधी बनानी है आपको और थोड़ी सी एंड में जाके कर्व कर देनी है। यहाँ पे आप अपने मन चाहे डेकोरेशन कर सकते हैं फेस पे, जो भी आपको थोड़ा बहुत करना है। यहाँ पे मैंने राड ली है जो ईजली भगवान जी वाले जो शॉप्स होते हैं उन पर मिल जाती है। और यहाँ पर हम उनका सर बनाएंगे पुष्टि मार्ग श्रृंगार के लिए। आपको एक कोन टाइप का बनाना है दोनों तरफ से। देखिए, इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही स्टिकी होता है खुद में ही, तो ये अपने आप ऐसे ही चिपक जाता है। अभी यहाँ पर हम उनका माथे का श्रृंगार करेंगे। ये मोतियों से लड़ हमने बनाई है। और ये देखिए, ये है मुकुट। ये दो तरीके का होता है, एक ये पार्ट है और एक दूसरा एक पार्ट होता है। इसमें भी आप राड लगा के इसको थोड़ा टेढ़ा लगाइएगा और जो भी पोर्शन बचा है उसको बाकी चीज़ों से डेकोरेट कर देंगे हम। यहाँ पे मैंने मोती लिए हैं और पिन ली है और उससे ये बनाया है। और देखिए, छोटा वाला भी पीस हमने यहाँ लगा दिया, तो ये पूरा हो गया उनका श्रृंगार। अब यहाँ पर हम उनका पेट बनाएंगे और ये स्केल पर हमने क्ले लगाई है, तो जब हम इनको आगे बैठाएंगे तो ये इजीली वहाँ पर रुक जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देवी जी का लहंगा पहनाया है, क्ले से हाथ बनाए हैं और उस पर एक कपड़ा लगा कर इसको कवर कर दिया है। अब इसको हम अटैच कर देंगे और ब्लैक कलर कर देंगे हाथों में। लड्डू वाले हाथ को छुपाने के लिए भी हमने एक हाथ बनाया है और ये पैर बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसको रेक्टेंगल में काट लिया है। अब इसमें हम कोई भी कलर कर देंगे, आप अपने पसंद का कलर कर सकते हैं, और इसको लेस से सजा देंगे। अब यहाँ पर हम इनके पैर लगा देंगे जो हमने बनाए थे, इसमें ब्लैक कलर करके, और डेकोरेशन आप कर सकते हैं। और अब हम इनको गहने पहना देंगे। श्रीनाथ जी बहुत लंबे लंबे गहने पहनते हैं, तो बस वैसे ही हमें गहने पहना देने हैं और कानों में इस पहना देंगे। अब जो ये कार्डबोर्ड का पीस हमने बनाया था, इसको हम पीछे से लगा देंगे यहाँ लड्डू गोपाल जी के, तो ये स्ट्रेट दिखने लगेंगे जैसे कि खड़े हुए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, पैर निकाल कर हम इसमें दूसरा गत्ता लगा देंगे सेम जो हमने बनाया था, और इसको भी लेस से कवर कर देंगे। हमें बेसिकली एक सिंहासन का रूप देना है।
देखिए ये रेडी हो गया हमारा श्रृंगार और यहाँ पर हम इनकी चोटी लगा देंगे। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको ये श्रृंगार, क्या ये आपको लग रहे हैं श्रीनाथ जी? हमने पूरी कोशिश की है कि हम इनको ओरिजिनल रूप दे सकें और यहाँ पर हमने क्ले से लोटस के फूल बनाए हैं क्योंकि श्रीनाथ जी अपने एक हाथ में कमल के फूल पकड़ते हैं। देखिए पूरा हो गया इनका लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।